हे गाइस, मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक विद आसिफ। तो गाइस, आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल के कीबोर्ड में अपना फोटो या अपना जीएफ का फोटो कैसे लगाएं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं बहुत ही धांसू ट्रिक के बारे में बताऊँगा कि आप अपने मोबाइल के कीपैड पर कीबोर्ड में आप अपना जीएफ और अपना फोटो या कोई भी फोटो कैसे लगाएं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को उसे क्लिक करिए, इससे क्या होगा कि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, गूगल इंडिक कीबोर्ड। इसकी लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप इजिली डाउनलोड कर पाओगे। तो आइए मैं बताता हूँ। तो इसे डाउनलोडिंग करने के बाद इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ आपको यहाँ पे परमिशन मांगेगा, उसको आपको परमिशन देना है। फिर यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाए, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट इनपुट लैंग्वेज पे आपको यहाँ पे यूज सिस्टम लैंग्वेज पे क्लिक कर लेना है। फिर कीबोर्ड में आपको जाना है, यहाँ पर देखिए बहुत सारे फंक्शन आ गए, यहाँ पर भी आपको परमिशन दे देना है। फिर यहाँ पर हैंड राइटिंग या डिक्शनरी है, इस पर आपको बिल्कुल नहीं जाना है। यहाँ पर आपको कीबोर्ड में फिर से क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको थीम में क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पर देखिए बहुत सारे यहाँ पर आ गए हैं थीम, यहाँ पे कलर थीम भी है, इस पर भी आप कर सकते हैं, इस पर भी कर सकते हैं, बहुत सारे थीम यहाँ पे आ गए। लेकिन आपको फ़ोटो लगाना है अपना जीएफ का या आपका अपना पर्सनल फ़ोटो, तो यहाँ पे माय इमेज पे आप क्लिक करें। तो माय इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके मोबाइल में जितने भी सारे फ़ोटोज़ हैं वो इस तरह के आ जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे मैं ये फ़ोटो लेता हूँ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर फिर आपको सेटिंग करना है, इस तरीके से एडजस्ट करना है क्रॉप करके। तो एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे एडजस्ट ब्राइटनेस, यहाँ पे अगर ब्राइटनेस कम है तो आप ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हो, 60, 40 जितने भी कर सकते हो, 80 जैसे मैं इतना कर दिया, फिर डन कर दिए। फिर ये हो गया। फिर मैं आपको दिखाता हूँ बैक जाने के बाद, जैसे मैं आपको यहाँ पे गूगल खोलता हूँ, यहाँ पे देखिए मैं कुछ भी टाइपिंग करता हूँ तो ये देखिए कुछ इस तरह का यहाँ पर कीबोर्ड में आपका गर्लफ्रेंड या आपका अपना फ़ोटो आ जाएगा, जो देखने में काफ़ी कमाल का लग रहा है। तो इस तरीके से इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो और लोगों को चौंका सकते हो। आई होप गाइस कि हमारी वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ इसे आप लाइक करिएगा। यहाँ पे आप व्हाट्सएप पे भी जाके देख सकते हो आपका कीबोर्ड में फ़ोटो आ चुका होगा। जैसे मैं यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, जो देखने में काफ़ी यूनिक और काफ़ी कमाल लग रहा है। तो इस तरीके से एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। तो आई होप गाइस कि हमारी वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए नीचे जाके और लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।